हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जाइए, सेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बुलाइए। स्टार्ट कर रहे हैं हम, एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जाके शेयर करिए। हेलो हेलो हर्ष, आप सब एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं? हेलो एवरीवन, जल्दी जाके शेयर करिए। हेलो मिहिर, आज हम जो है सीयूईटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कवर करेंगे, चैप्टर के जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। हम यहाँ करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जल्दी अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट ऑफ आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स ऑफ द फ्लावर रोहोल। इसमें बताइए कि टेक्निकली करेक्ट टर्म कौन सी नहीं है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जब हम पढ़ रहे थे, जब मैंने ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो डिटेल में पढ़ाया है, आप हमारे ऐप पे जाके देख सकते हैं, वहां आपको हर एक रिलेटेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पूछ रहे हैं कि टेक्निकल टर्म कौन सी नहीं है जो इन्होंने गिवन है। क्या क्या दे रखा है? एंड्रोशियम, कार्पल, कोरोला एंड सेपल्स। तो बताइए इनमें से कौन सी टेक्निकली टर्म नहीं है। गुड मॉर्निंग मार्या, जल्दी बताइए, अच्छे से करिएगा। देखिए, जब हमने फ्लावर के बारे में देखा था, तब हमने क्या सीखा था कि फ्लावर के जो मेन पार्ट है वो कितने होते हैं? चार पार्ट होते हैं, जिनमें चार में दो कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव, और दो कौन से होते हैं? एसेसरी पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप जानते हैं एक कौन सा होता है यहाँ? मेल, और एक कौन सा होता है? फीमेल। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। फीमेल वाले को क्या बोलते हैं? गायनोशियम बोलते हैं। अब यहाँ पर जो दो एक्स्ट्रा पार्ट थे, उसमें कौन कौन से आते थे हमारे? कैलेक्स आता था एक, और एक कौन सा था? कोरोला। तो बताइए, ये सारी टेक्निकली करेक्ट टर्म है, इनके अलावा आपको कौन सा देखने को मिल रहा है यहाँ पे? कौन सा देखने को मिल रहा है? एक कार्पल है और दूसरा सेपल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ। कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले पे चलते हैं, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म अपरेटस इन द एम्ब्रियो सेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर टिप। किसकी बात कर रहे हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस की बात कर रहे हैं, और किसमें प्रेजेंट पूछ रहे हैं? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म किन्हें बोलते हैं हम? फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के एम्ब्रियो सेक में देखेंगे तो एक एपरेटस होता है फिलीफॉर्म, ये उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं कि इनमें से किस सेल के पास वो प्रेजेंट होता है। क्या दे रखे हैं ऑप्शन? सेंट्रल सेल है, सिनर्जेट, एग सेल एंड एंटीपोडल। आंसर करिए इसका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे अगर आपको एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर याद हो, तो एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर में क्या होता था? एक हमारे पास चार्जल एंड होता था और एक माइक्रोपाइलर एंड। चार्जल एंड की तरफ तीन सेल्स प्रेजेंट होती थी, जिन्हें हम क्या बोलते थे? एंटीपोडल सेल्स। और यहीं पे इसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दो सेल्स प्रेजेंट होती थी, जिन्हें हम क्या बोलते थे? सिनर्जिड बोलते थे। यहाँ पर एक सेल और प्रेजेंट होती थी, जिसे हम क्या बोलते थे? एग सेल। और बीच में क्या होते थे? दो सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो अब मैं समझ सकती हूँ, आप बता सकेंगे इसका करेक्ट आंसर। गुड मॉर्निंग, करेक्ट आंसर क्या है इसका? सिनर्जिड, राइट मिहिर? शिवम, करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिनर्जिड इसका करेक्ट आंसर है। फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ प्रेजेंट होता है सिनर्जिड पे, और फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है? पोलन ट्यूब को गाइड करना, ताकि वो क्या लेके आ सके? अपने साथ जो मेल गैमेट है उन्हें लाके दे सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, बहुत इजी है ये।
क्या है अगला क्वेश्चन? एम्ब्रियो सैक अकर इन, इनमें से किसमें एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो दिया हुआ है इन्होंने एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, ऑप्शन सी इज ओव्यूल एंड ऑप्शन डी इज स्टेमेन। बताइए इसका करेक्ट आंसर। अभी अभी हम जो बनाकर आए हैं उसी से रिलेट करता है ये डायग्राम जो बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3, और सेशन को लाइक करिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करके लाते हैं, थोड़ा सा प्यार हमें भी पता चले। आप लाइक करके बताइए कि हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, एम्ब्रियो सैक अकर इन। शिवम त्रिपाठी करेक्ट आंसर, अनुपम सिंह ए नहीं है इसका आंसर, रमित मिश्रा सी इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियो सैक कहां प्रेजेंट होता है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, ये पूछ रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल इज, ऑप्शन क्या है? लिग्निन, स्पोरोपोलिनिन, क्यूटीन एंड डी इज सेल्यूलोस। मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल का मतलब यहाँ पे हम किस चीज को मोस्ट रेजिस्टेंट बोलते हैं कि आप इसका फिजिकल ट्रीटमेंट करिए, आप इसका केमिकल ट्रीटमेंट करिए, आप एंजाइम्स वगैरह ले आइए, आप हाई टेम्परेचर पे कोई भी कंडीशन प्रोवाइड करें, ये उन सब कंडीशंस को लेके क्या हो? रेजिस्टेंट हो। यानी कि जो भी मटेरियल है उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ना पड़ता हो। तो बताइए आपने ऐसा कौन सा पढ़ा है? क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट, सुहाना, हर्ष, मार्या करेक्ट आंसर क्या है इसका? स्पोरोपोलिनिन। अच्छा, अगर स्पोरोपोलिनिन की बात करें, स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट कहाँ होता है बताएंगे आप? बिल्कुल करेक्ट हर्ष, मोस्ट हार्ड है, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल स्पोरोपोलिनिन। कहाँ प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन पे, पोलर ग्रेन की आउटर लेयर जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर कीजिएगा अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन एंजियोस्पर्म डैश लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। ये पूछ रहे हैं कि पोलन मदर सेल से एक मैच्योर जो है गैमेटोफाइट बनता है, तो उसके अंदर कौन कौन से डिविजन्स जो है होते हैं बताइएंगे? आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए क्या गिवन है? 2 मियोटिक डिवीजन। ऑप्शन बी है 3 मियोटिक डिवीजन। ऑप्शन सी 2 मियोटिक एंड 1 मियोटिक डिवीजन। एंड ऑप्शन डी इज अ सिंगल माइटोटिक डिवीजन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, वो आपको पोलन ग्रेन नहीं दे रहे हैं, वो आपको पोलन मदर सेल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पोलन मदर सेल गिवन है, तो पोलन मदर सेल से पहले क्या बनेगा? पोलन मदर सेल से पहले क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे। कौन सा प्रोसेस लगेगा इसमें? मियोटिक डिवीजन। अब ये पोलन ग्रेन आगे चल के क्या बनाएंगे? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पोलन ग्रेन जो होता है वो भी आगे चल के दो सेल्स में डिवाइड करता है, वेजिटेटिव और इसी के साथ साथ एक जनरेटिव सेल बनाता है। अब ये जो डिवीजन है वो किस तरह से होता है? माइटोटिक होता है, और बाद में यही जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाती है? मेल गैमेटोफाइट बनाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या देखा हमने यहाँ पर? एक क्या है? मियोटिक, और दो क्या देखने को मिले हमें? माइटोटिक डिवीजन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, हमें क्या है? दो हमें माइटोटिक डिविजन देखने को मिले और एक क्या देखने को मिला? मियोटिक डिविजन देखने को मिला। इसका करेक्ट आंसर सी है, एक्सप्लेनेशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, माइक्रोपाइल अकर इन, माइक्रोपाइल कहां पर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन क्या गिवन है? ओवरी, सीड, ओव्यूल या फिर बोथ बी एंड सी।
बताइए इसका करेक्ट आंसर। माइक्रोपाइल का ध्यान रखिएगा, माइक्रोपाइल एंड आपने ओव्यूल में तो पढ़ा है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या आंसर कर रहे होंगे, इसका बी आंसर कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप सीड वगैरह देखते हैं तो सीड के ऊपर एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, वो पोर किसे रिप्रेजेंट करता है, वो पोर भी माइक्रोपाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रमेत करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सीड के ऊपर भी जो छोटा सा स्कार प्रेजेंट होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोपाइल को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर अविनाश, सुहाना गुड, तारा शर्मा गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, करिएगा आंसर। एम्ब्रियो सेक इज आल्सो कॉल्ड, एम्ब्रियो सेक का और क्या नाम है, क्या क्या ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर, ऑप्शन सी इज मेगा गैमेटोफाइट एंड ऑप्शन डी इज माइक्रो गैमेटोफाइट। बताइए, यहाँ ध्यान रखिएगा कि एम्ब्रियो सेक किसे रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को, किसे रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियो सेक, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। और एम्ब्रियो सेक को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ पर वो ऑप्शन तो है नहीं, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेगा स्पोर नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगा गैमेटोफाइट। वो एम्ब्रियो सेक पूछ रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेगा गैमेटोफाइट। मेगा वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हम फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और माइक्रो कब यूज करते हैं, जब हम मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो हम करके आए हैं उसमें उसका आंसर फीमेल गैमेटोफाइट भी हो सकता है, अगर आपको कहीं वैसा ऑप्शन मिले तब। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डैश कंप्राइसेस द एग अपरेटस, बताइए एग अपरेटस किन चीजों को मिलाकर बनता है। अभी हम डायग्राम बनाकर आए थे, हमने कुछ ऐसा ड्रॉ करा था, तीन क्या थे, एंटीपोडल सेल्स थे, दो सिनर्जिड थे हमारे पास, और एक एग था, और बीच में क्या थी, सेंटर न्यूक्लियाई सेल्स थी। तो बताइए एग अपरेटस किसे बोलेंगे, यानी कि बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह की जहां पर क्या प्रेजेंट है, एग सेल प्रेजेंट है, और एग सेल किसके साथ प्रेजेंट है, इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एग सेल के साथ जो प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एग अपरेटस। तो क्या आ जाएगा एग अपरेटस में, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ओके अनुपम, शिवम त्रिपाठी गलत है आपका आंसर, हर्ष कुमार बिल्कुल सही, सुहाना करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हम किसे बोलते हैं एग अपरेटस, वो पोजीशन जहां पर एग प्रेजेंट होता है, तो एग किन सेल्स के साथ प्रेजेंट है, सिनर्जिड के साथ प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, द गैमेट मदर सेल इज नोन एज, यहां पर ध्यान दीजिएगा वो नाम पूछ रहे हैं आपसे, गैमेट मदर सेल को क्या बोलते हैं। ऑप्शन क्या है, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, मियोसाइट या फिर आइसोगैमेट। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो गैमेट मदर सेल का नाम पूछ रहे हैं, मियोसाइट करेक्ट। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, ध्यान से देख के कीजिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मियोसाइट। हाँ अगर इसकी बात की जाए, ये है तो डिप्लॉयड, लेकिन हम क्या बोल रही थी मैं बार बार कि यहाँ पर ये उसका नाम पूछ रहे हैं कि किस और नाम से आप जानते हैं, तो मियोसाइट यहाँ पे डिप्लॉयड दिया हुआ है। अब इससे जितने भी गैमेट बनेंगे तो कौन सा प्रोसेस चलेगा, एन बनाना है 2n से, तो क्या चलेगा जल्दी से बताइए, मियोसिस देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर जगह क्या होगा, मियोसिस देखने को मिलेगा। और सेशन को लाइक करिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तो एफर्ट्स दिखाइए, हमें पता चले आप कितना रिस्पांस करते हैं, लाइक कीजिए सेशन को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ,
पॉलन ग्रेन जो है इन्हें फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन किस वजह से कर सकते हैं, क्या दे रखे इन्होंने ऑप्शन, एक्साइन, जर्म पोर, ऑप्शन बी इज इंटाइन एंड ऑप्शन डी इज स्पोरोपोलिनिन। अभी हम पूरी की पूरी कहानी पढ़ के आए हैं स्पोरोपोलिनिन किस तरह से हेल्प करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर, करेक्ट सुआना, मायरा, ओसामा, करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है स्पोरोपोलिनिन। हम देख कर रहे थे कि स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा मटेरियल है जिसे डिग्रेड नहीं किया जा सकता, चाहे आप फिजिकल तौर पे ट्रीटमेंट कर ले, केमिकल कर ले, एंजाइम्स लिए, टेम्परेचर बढ़ा दे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से हम पोलन ग्रेन को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ध्यान से पढ़िएगा, वो पूछ रहे हैं इनरमोस्ट वॉल लेयर बतानी है आपको माइक्रोस्पोरेंजियम की, और यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, माइक्रो मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इनरमोस्ट लेयर बता दो माइक्रोस्पोरेंजियम की। ध्रुव थ्योरी की क्लासेस सारी अवेलेबल हैं हमारे लर्न करो ऐप पे, आप जाके देख सकते हैं। करेक्ट, किसने दिया सबसे पहले आंसर, हर्ष कुमार करेक्ट आंसर, शिवम थ्योरी की क्लासेस अवेलेबल हैं आप जाके देख सकते हैं, लर्न करो आप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां ऐप पर। करेक्ट आंसर क्या है इसका, टपेटम, बिल्कुल सही बात। हमने क्या देखा था, माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर क्या बनते थे, पोलन ग्रेन बनते थे, यानी कि मेल गैमेटोफाइट जो है वहीं से तैयार होके चलता था या फिर वहीं बना दिया जाता था। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर था ये, चारों लेयर प्रेजेंट होती थी जिसमें इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, टपेटम। अब टपेटम इनर मोस्ट लेयर है तो थोड़ा सा काम देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, जो भी डेवलपिंग चीजें हैं, डेवलपिंग सेल्स हैं, उन सबको क्या प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिएगा, देखते हैं किसके कॉन्सेप्ट क्लियर है और कौन कितने अच्छे से आंसर करेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर, क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मेगास्पोर बना रही है लेकिन विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, मियोसिस नहीं हो रहा है, एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी, क्या बोल रहे हैं, मेगा मदर स्पोर सेल का काम क्या होता था कि मेगास्पोर बनाना है मियोसिस करके, जर्नल काम यही चलता था, ये बोल रहे हैं कि वो मियोसिस कर ही नहीं रही है और एक ही सेल उसमें से कैसे बिहेव करने लग जाती है एम्ब्रियो सेक की तरह, तो बताओ इसके न्यूक्लियस की प्लॉयडी क्या होगी, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12, डिप्लॉयड, करेक्ट तरुण, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिप्लॉयड, भैया प्लॉयडी आदि हो कैसे जाएगी, यहाँ तो मियोसिस हुआ ही नहीं, तो मियोसिस हुआ नहीं तो क्रोमोसोम का सेट आधा नहीं हुआ, वो डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही रहेगा, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द पार्ट दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन, इस पार्ट के बारे में बताना है जो पोलन ग्रेन का कंपैटिबल नेचर, यानी कि वो सेलेक्ट कर सके कि पोलन ग्रेन जो आया वो राइट टाइप का है या फिर वो रॉन्ग टाइप का है, कौन सिलेक्शन करता है ये, ऑप्शन क्या है, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल या फिर ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्शन कौन करता है, पहचान कौन करता है कि रॉन्ग टाइप का पोलन है या फिर राइट टाइप का पोलन, क्वेश्चन नंबर 13 आप मुझे बताएंगे इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन जब भी सबसे पहले आता है, पोलन ग्रेन कहां आकर लैंड करता है, किसकी सरफेस पे बैठता है, स्टिग्मा की सरफेस
इस पे बैठता है और यही स्टिग्मा के पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसे पता लग पाता है कि ये जो पोलन आया मेरे पास ये राइट है या फिर रॉन्ग टाइप का है। अगर पोलन राइट टाइप का होगा तो क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, फ्रूट वगैरह बनेगा, और अगर रॉन्ग टाइप का हुआ तो उसे यहीं पे रोक देंगे, जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड एवरीवन, सभी ने सही आंसर दिया इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंथर। आपको क्या बताना है, माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर बताना है एंथर के अंदर। एंथर के बारे में अगर हम बात करें तो एंथर क्या होता था, एंथर क्या होता था भाई, किसे रिप्रेजेंट करता था, ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता था फ्लावर के। अब एंथर मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको एंथर का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ इस टाइप का होता था एंथर का स्ट्रक्चर, क्या होता था, दो लोब प्रेजेंट होते थे। इनिशियली कुछ ऐसा देखते थे जब हम बाहर से देखते थे, लेकिन जब हम इसे क्रॉस सेक्शन में देखते थे तब एक लोब के अंदर कितना देखने को मिलता था, चार साइड देखने को मिलती थी। तो आंसर कर देंगे इसका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। वेरी गुड तारा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रार्थना शिवम त्रिपाठी, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। यही अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दें और वो पूछ ले कि बताओ ईच लोब के अंदर कितना माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तब आप क्या आंसर करेंगे, अगर वो लोब के अंदर पूछ ले, बताइए लोब के अंदर अगर पूछ ले तब आप क्या आंसर करेंगे, कितना बोलेंगे, तब आप 2 बोलेंगे, ईच लोब पूछ लेगा तब। और वैसे कितने प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर एंथर के अंदर, 4 प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड एवरीवन, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम 1 दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ है और इन्होंने स्ट्रक्चर्स दिए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आपको मैच करना है कि कौन सा किससे रिलेट करता है। तो ध्यान रखिएगा किसके बारे में है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो इंटेग्यूमेंट चालाजाफ यूनिकल न्यूसेलस की बात की हुई है, यानी कि एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंटेग्यूमेंट की अगर हम बात करें, इंटेग्यूमेंट कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता था हमारे पास, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट क्या काम करते थे, इन वाले पार्ट्स को क्या बोलते थे हम, इंटेग्यूमेंट बोलते थे। इंटेग्यूमेंट का काम क्या था, यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का, तो प्रोटेक्टिव एनवलव की तरह कौन काम करेगा, इंटेग्यूमेंट काम करेगा। वहीं अगर आप इस स्ट्रक्चर को सही से देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बेस की तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको, चालाजल एंड देखने को मिलेगा, यानी कि बी का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी का करेक्ट 4th है। फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल हम इस पर्टिकुलर पार्ट को फ्यूनिकल बोलते हैं, ये क्या करता है, अटैचमेंट का काम करवाता है। तो फ्यूनिकल किससे रिलेट हो जाएगा, स्टॉक ऑफ ओव्यूल से। और न्यू सेलस की अगर हम बात करें तो न्यू सेलस क्या होता है, यहाँ पर जो सेल्स भरी रहती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम न्यू सेलस बोलते हैं। तो न्यू सेलस क्या हो गया, यहाँ पे अ मास ऑफ सेल्स। देखिए आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए 4th से कनेक्टेड कर रहा है, ऑप्शन ए 4th से कनेक्टेड, ठीक। बी किससे कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है यहाँ पर ऑप्शन ए 3rd वाले से कनेक्ट कर रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ऑप्शन बी और सी तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या बचा हमारे पास, ए और डी में देखना है, ऑप्शन ए कनेक्ट कर रहा है 3rd वाले से, चालाजल कनेक्ट कर रहा है 4th वाले से, बी का 4th, सी का क्या गिवन है, फ्यूनिकल किसे, सेकेंड से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिनिन। आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपको। इनकरेक्ट क्या ऑप्शन दे रखा है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का, बिल्कुल सही बात है। एक अंदर की लेयर होती है, एक आउटर लेयर पोलन ग्रेन में, और ये किसकी बनी होती है, एक्साइन की बनी होती है। अगला क्या है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड
एल्कलाई, ये चीज हम देख कर आए थे, स्पोरोपोलिनिन इन सब चीजों को लेके रेजिस्टेंट है। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, बिल्कुल सही, अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड एवरीवन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कि आप इसे, ये कह रहे हैं कि आप इसे एंजाइम से डिग्रेड करा सकते हैं, लेकिन हम क्या देख कर आए, स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कराया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी इसका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो, यहाँ पर एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट के एम्ब्रियो होते हैं, आप बताइए कि उसमें कितनी सेल होती हैं और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर ये डायग्राम हम पहले भी बना कर आए हैं, तीन एक पोल पे प्रेजेंट होती है, तीन एक पोल पे जिसमें एक एक सेल और बीच में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। आंसर कीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट तरुण, वेरी गुड। हर्ष कुमार, वेरी गुड, लॉक कर देते हैं इसका आंसर। 8 न्यूक्लियेटेड, 7 सेल, क्या देखने को मिल रहा है आपको? 3 सेल्स ये प्रेजेंट है और 3 सेल्स ये प्रेजेंट है, कितनी हो गई? 6 सेल। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरी जो सेंट्रल सेल है वो एक सेल है, तो सेल कितनी हो गई? 7 सेल। और वही न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो सेंट्रल सेल है इसके पास न्यूक्लियस कितने हैं? 2 न्यूक्लियस हैं। तो टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेरी गुड शिवम त्रिपाठी, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिएगा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं, अनदर प्लांट है, अनदर फ्लावर है, लेकिन प्लांट क्या है? सेम, ध्यान रखिएगा। ये बोल रहे हैं कि फ्लावर जो है, एक फ्लावर इसे मान लेते हैं और एक फ्लावर हम इसे मान लेते हैं, प्लांट सेम है, यहां से समझो, यहां से पोलन यहां तक आ गया, तो देखा जाए, देखने में कैसा लग रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जाहिर सी बात है, ये अपने आप तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई एजेंट रहा होगा जो इसे लेके आया होगा। अच्छा, दूसरी चीज, यहां से यहां तक ट्रांसफर हुआ, फ्लावर चेंज हुआ लेकिन प्लांट सेम रहा, आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? जिटाइनोगैमी, इसका करेक्ट आंसर है, प्लांट सेम लेकिन फ्लावर डिफरेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्लेस्टोगैमस फ्लावर, क्लेस्टोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, फिर इनके ऑप्शंस देखेंगे। क्लेस्टोगैमस फ्लावर जो हमेशा बर्ड स्टेज में रहते हैं, यानी कि ऐसा फ्लावर जो कभी खिलता ही नहीं है, बताइए ऐसा फ्लावर जो खिलता नहीं है, तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? क्या दे रखा है इन्होंने? ऑप्शन ए क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन बी वाटर पॉलिनेटेड, ऑप्शन सी सेल्फ पॉलिनेटेड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर बोल रहे हैं बर्ड स्टेज वाला फ्लावर है, यानी कि फ्लावर कभी खुलेगा ही नहीं, इसका करेक्ट आंसर बताइए। प्रार्थना, बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर क्या है? सुहाना, वेरी गुड, इसका आंसर करेक्ट है, सेल्फ पॉलिनेटेड। अगर आपको मैं बोल रही हूँ कि बर्ड स्टेज में कोई है, यानी कि उस बर्ड स्टेज के अंदर ही यहाँ पर जो है एंथर और स्टिग्मा, वो इस पर्टिकुलर जगह पर ही मैच्योर हो जाएंगे, जब तक ये खुलेगा ही नहीं फ्लावर, तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन की बात कहाँ से आ गई, वाटर पॉलिनेशन की बात कहाँ से आ गई? ये दोनों तो यही के यही मैच्योर होंगे, यही इनमें फर्टिलाइजेशन होगा और अगली जनरेशन आ जाएगी, यानी कि क्या देखने को मिलेगा सिर्फ इनमें, यहाँ पर देखने को सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल हर्ष लॉक करते हैं, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर करिए। यूजुअली पोलन ग्रेन आर शेड इट, पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं कि जर्नली पोलन ग्रेन कितनी स्टेज पर जो है वो रिलीज हो जाते हैं, क्या क्या दे रखा है इन्होंने? 1 सेल स्टेज, ऑप्शन बी इज 2 सेल स्टेज, ऑप्शन सी इज 4 सेल स्टेज एंड डी इज 5 सेल स्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन का हम स्ट्रक्चर बना के आए हैं, जल्दी बताइए। यहाँ पर हमने क्या देखा था पोलन ग्रेन में,
कि पॉलन ग्रेन कुछ इस तरह से होता है, आउटर लेयर होती है एक इसके पास, एक इसके पास इनर लेयर होती है, और इनके बीच में क्या होता है, इनके पास सेल प्रेजेंट होती है। जनरली कौन सी सेल, हमने देखा था माइटोटिक डिवीजन से दो सेल्स बनती है, कौन कौन सी, एक बड़ी सेल बनती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो जनरली किस स्टेज पे शेड आउट हो जाते हैं पोलन ग्रेन, ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, शिवम त्रिपाठी गुड, ओसामा खान, तारा शर्मा, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कितनी सेल देखने को मिल रही है आपको यहाँ पर, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, तो कितनी सेल स्टेज पे ये रिलीज हो जाते हैं, दो सेल स्टेज पे ये जो है रिलीज हो जाते हैं। अच्छा यहीं पे ध्यान देते हैं कि कुछ पोलन ऐसे होते हैं जो थ्री सेल स्टेज पर रिलीज होते हैं। थ्री सेल स्टेज में क्या होता है कि यहीं पर ये वाली जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल किस में डिवाइड हो जाती है, एक पूरी की पूरी वेजिटेटिव सेल रहती है, और ये जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होके क्या बना लेती है, ये दो क्या कहलाते हैं, मेल गैमेट बनाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन जो रिलीज हुआ है एंथर से, वो निकले ही इसी कंडीशन में, या फिर कई बार क्या होता है कि टू सेल स्टेज में चला जाता है, और जब ये पोलन कहाँ पे लैंड करेगा, किसी पर्टिकुलर जो भी इसका, जिसका भी ये पोलन होगा, जिस प्लांट का, जब ये उसके स्टिग्मा पर लैंड करेगा, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट के टाइम पर क्या देखा जाता है कि जनरेटिव सेल किस में बदल जाती है, दो मेल गैमेट्स में बदल जाती है। ध्यान रखिएगा कब चेंज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द गिवन बिलो आर स्टेप्स परफॉर्म्ड इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो स्टेप्स होते हैं वो गिवन है यहाँ पर, प्रोग्राम इन प्लांट विद बायोसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे बायोसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, बायोसेक्सुअल हम किसे बोलते हैं, बायसेक्सुअल हम बोलते हैं जहां पे पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर आपको मेल और फीमेल पार्ट दोनों देखने को मिल जाए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपनी डिजायर का जो भी आपको बनाना है वो चीज आप बना सको, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो आपको बताने हैं कि सीक्वेंस बताइए। इन्होंने क्या दे रखा है, रीबैगिंग, इमेस्कुलेशन, डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, बैगिंग, कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पेरेंट, एंड दे रखा है इन्होंने सिलेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको इसका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का, यहाँ पे ध्यान दे अगर, तो क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करना है कि आपको जो भी चीज डिजायर्ड लेना है, जो भी करेक्टर डिजायर्ड लाना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा मेल और फीमेल पेरेंट प्लांट का। सबसे पहला ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन के बाद ध्यान दीजिएगा, वो कंडीशन क्या दे रहा था, बायसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि यहाँ पर जो है बायसेक्सुअल फ्लावर है, तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, इमेस्कुलेशन। सेकेंड इमेस्कुलेशन का मतलब कि बायसेक्सुअल फ्लावर है तो वहां से आपको फोर्सेप की हेल्प से एंथर को रिमूव करवाना पड़ेगा ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके। अब इमेस्कुलेशन के बाद क्या होगा, इमेस्कुलेशन कराने के बाद उस पर्टिकुलर फ्लावर को बैग कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं बटर पेपर के, उससे उसे बैग कर देते हैं ताकि कोई अनवांटेड पोलन जो है वो किसी इंसेक्ट से या एयर से आके फर्टिलाइज ना कर जाए। करेक्ट आंसर दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर डी है। देखिए कैसे, पहला स्टेप क्या है, ऑप्शन 6 दे रखा है करेक्ट। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन के बाद बैगिंग किया। बैगिंग करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आपको डिजायर्ड कैरेक्टर देना है उस पर्टिकुलर डिजायर्ड कैरेक्टर का पोलन ले आइए, और ये जो आपने बैगिंग वाला प्लांट था इसके ऊपर डस्ट कीजिए। अब पोलन जो आपने डस्ट किया, इसे करने के बाद आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, रीबैगिंग करनी पड़ेगी, आपको फिर से बैग में उसको पैक करना पड़ेगा, सेम वही चीज कि कोई और पोलन ना आ जाए और इस पोलन के फर्टिलाइजेशन से पहले वो उसे फर्टिलाइज ना कर जाए। इसके बाद रीबैगिंग के बाद क्या होगा, जो भी आप लाए थे वो आपका पूरा का पूरा करेक्टर जो है वो आपको जैसे जैसे फ्लावर ग्रो करेगा फ्रूट वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बताइए डैश डिस्कवर्ड
डबल फर्टिलाइजेशन इन लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया। बताइए किसने डबल फर्टिलाइजेशन जो है डिस्कवर किया था। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें, अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमने देखा था कि यहाँ पर क्या है हमारा, हमारे पास एम्ब्रियो सेक है। इस एम्ब्रियो सेक में ये दोनों सेल्स सिनर्जिट, ये तीनों सेल्स क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल कहलाती हैं। ये जो बीच में सेल्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल सेल बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर क्या होता है, एक एग प्रेजेंट होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बात चल रही है फर्टिलाइजेशन की, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन यही देख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन के पास क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल, और मान लो ये तीन सेल वाला है तो इसके पास ये दो क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट प्रेजेंट है। अब क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में, ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद पोलन ट्यूब जो डेवलप करती है वो कहाँ आएगी, सिनर्जिट के पास आएगी। इसे डायरेक्ट कौन करेगा, हमने क्वेश्चन में देखा था, इसे डायरेक्ट करेगा कौन, बताएगा पोलन ट्यूब को रास्ता, फिलीफॉर्म एपरेटस बताएगा जो सिनर्जिट में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेल गैमेट कितने हैं, दो, तो एक मेल गैमेट इस एग से फ्यूज हो जाता है। एग से फ्यूज होके क्या बना लेता है, ये जायगोट बना लेता है। और एक मेल गैमेट तो चलो फ्यूज हो गया, बाकी मेल गैमेट का क्या हुआ, तो जो दूसरा मेल गैमेट था वो किससे फ्यूज होता है, सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है। और क्या बनाता है यहाँ पे, 3n प्लॉइडी वाला एंडोस्पर्म बनाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, एक हमें क्या मिला, जायगोट, और दूसरा एंडोस्पर्म, दो बार फ्यूजन हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डिस्कवर किसने किया था, बिल्कुल करेक्ट ओसामा, इसका करेक्ट आंसर है नवाज़चिन। किसने डिस्कवर किया था, नवाज़चिन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बताइए जरा इसका आंसर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। पहले क्या था, डबल फर्टिलाइजेशन किसने किया था, नवाज़चिन में। यहाँ आपको क्या बताना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि किसने बताया था कि यहाँ पर मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं, फिर जायगोट बनता है, जायगोट का डेवलपमेंट होता है, ये सब किसने बताया था। क्वेश्चन नंबर 24 किसने डिस्कवर किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स के अंदर, हर्ष कुमार, नवाज़चिन ने जो है वो क्या डिस्कवर करा था, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे बात चल रही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसने डिस्कवर किया फ्लावरिंग प्लांट में। इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेसबर्गर। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर किया था फ्लावरिंग प्लांट में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ डाइकॉट प्लांट बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। क्या बोल रहे हैं कि डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट का मतलब क्या होता है, डाइकॉट यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं, इन्होंने बोला डाइकॉट प्लांट है, यानी कि यहाँ पर जो है वो किसी अलग प्लांट के ऊपर फीमेल पार्ट मिलेगा और किसी अलग प्लांट के ऊपर मेल पार्ट जो है मिलेगा, यानी कि फीमेल फ्लावर किसी और प्लांट पे और मेल फ्लावर किसी और प्लांट पे। ठीक, ये बोल रहे हैं कि ऐसा प्लांट है जो कभी भी फ्रूट या फिर सीड जो है वो नहीं देता है। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन। अब ऐसा कब हो सकता है कि कोई प्लांट है ना वो फ्लावरिंग कर रहा है ना ही वो फ्रूट दे रहा है, ऐसा कब हो सकता है। ओसामा खान, गलत आंसर है आपका, प्रार्थना गलत। पिस्टलेट का मतलब क्या होता है, चलिए ये पूछते हैं पहले, पिस्टलेट का मतलब आप क्या समझते हैं। पिस्टलेट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फीमेल फ्लावर को, और वहीं अगर हम स्टेमिनेट की बात करें तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फ्लावरिंग जो हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, ये सब एक्चुअल में था क्या, एम्ब्रियो सेक ही तो फर्टिलाइज होने के बाद मॉडिफाई हो रहा था। यहाँ तो कहीं है ही नहीं ऐसा जहाँ पे आपको देखने को मिल जाए मेल के पास में कहीं कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्रूट बनाए, सीड बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है,
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्लांट है ठीक है, आपकी बात करेक्ट है, वो डाइकॉट है, लेकिन इसी के साथ साथ वो स्टेमिनेट है, यानी कि उसके पास सिर्फ मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर का मतलब उसके पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या ही वो कुछ बना लेगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जहां वो फ्रूट या सीड उसे बना सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा सवाल था ये, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज 36 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट वुड बी। यहां पर बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म के बारे में बताइए। अभी हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करता था मेल गैमेट से, क्या बनाता था, ये एंडोस्पर्म बनाता था। और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या, यहां पर दो प्रेजेंट होते थे, तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस एन, अलग अलग न्यूक्लियस, मेल गैमेट में भी एन प्रेजेंट होगा, तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 3n होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, पूरा हिंट दे दिया, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बता दी, आपको क्या बताना है कि 36 क्रोमोसोम है एंडोस्पर्म में, आपको बताना है गैमेट में कितना होगा, गैमेट की प्लॉइडी कितनी होती है, गैमेट की प्लॉइडी होती है एन। यहां आपको बता दिया एंडोस्पर्म की कितनी है, यहां पर 3n, तो मे बी यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना दे रखा है इन्होंने, 36। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको n निकालना है तो n जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12। कितना नंबर होगा क्रोमोसोम का गैमेट में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। प्रार्थना, हर्ष, सीआईडी, गुड, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। कितना देखने को मिलेगा यहाँ पे, गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर 12 देखने को मिलेगा। और ये जो प्लॉइडी है एंडोस्पर्म की 3n होती है, इसे ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में आपको प्लॉइडी से रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा मिलेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। मैंने सारा पढ़ाया है, ये सब ऐप पे पढ़ाया है, हर एक लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, अपनी थ्योरी क्लियर करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ, ट्रिपल फ्यूजन की बात, क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन, जहां पर तीन न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जहां पर तीन न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। कहां देखा था हमने एक कंडीशन एन प्लस एन वाली, ये एक सेल में प्रेजेंट थी, इसके साथ n फ्यूज करता था, क्या बनाता था ये 3n बनाता था, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन में देख कर आए हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर, किसमें किसकी वजह से बनाते हैं ट्रिपल फ्यूजन की फर्टिलाइजेशन के लिए, क्या बनता है यहाँ, एंडोस्पर्म बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी, मारिया करेक्ट, सुहाना करेक्ट, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एंडोस्पर्म बनाने के लिए ही ट्रिपल फ्यूजन किया जाता है। और ट्रिपल फ्यूजन बना करके एंडोस्पर्म जो प्रिपेयर करते हैं, वो एंडोस्पर्म काम क्या करता है, इस एंडोस्पर्म का काम क्या है, न्यूट्रिशन को अपने अंदर स्टोर रखना। अब न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखिएगा दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, पहले एंडोस्पर्म बनता है फिर जायगोट बनता है। तो ये जो जायगोट है, इसका डेवलपमेंट कराने के लिए, पूरा अच्छे से डेवलपमेंट कराने के लिए एंडोस्पर्म क्या करता है, अपने पास न्यूट्रिशन रखता है, ताकि जायगोट के डेवलपमेंट के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या है, इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर। ये बोल रहे हैं डाइकॉट और मोनोकॉट, यानी कि ये जो ग्रास है मोनोकॉट, यहाँ पे होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन सा होता है, आंसर कीजिए, क्या दे रखा है इन्होंने, कॉलियोराइजा कॉलेप्टाइल, ऑप्शन बी में दे रखा है कॉलेप्टाइल एंड स्क्यूटेलम, ऑप्शन सी इज कोटाइलिडन एंड स्क्यूटेलम, ऑप्शन डी इज हाइपोकोटाइल एंड
रेडिकल। तो ऐसा कौन सा है जो डाइकॉट और मोनोकॉट में जो है स्ट्रक्चर होमोलोगस होता है। ध्यान रखिएगा स्टोरेज से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा चेंज होता है, एक जो है मोनोकॉट में रिड्यूस होता है, डाइकॉट में आपको दोनों देखने को मिल रहे हैं। दीजिए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होमोलोगस स्ट्रक्चर पूछने हैं, ध्यान से आंसर कीजिए। गलत, रमेश, मारिया, शिवम, सभी का आंसर गलत। हाँ, एबीसीडी में से एक तो है ही करेक्ट। ओसामा खान, गलत आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कोटाइलिडन और स्क्यूटालम दोनों का ही काम क्या है? स्टोरेज का। दोनों ही अपने अंदर न्यूट्रिशन स्टोर रखते हैं ताकि सीड का डेवलपमेंट करा सके। स्क्यूटालम किस में देखने को मिलता है? ग्रासेस में, जहां पर एक जो है कोटाइलिडन रिड्यूस हो जाता है और सिंगल वाले को हम क्या नाम दे देते हैं? ग्रासेस में स्क्यूटालम बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ओव्यूल इंटेग्यूमेंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन। इंटेग्यूमेंट जो है ओव्यूल के, जो हमने देखा था क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं आगे चल के? ये वाला स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था अभी, कुछ हमने ऐसा पढ़ा था, बताइए ये स्ट्रक्चर किस में चेंज होता है? क्या दे रखा है इन्होंने? सीड, सीड कोट, फ्रूट वॉल या फिर कोटाइलिडन, किसमें चेंज होते हैं ये? इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल की बात करें तो वहां पर भी क्या काम कर रहे थे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। तो अगर ये सीड बना है ओव्यूल, तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे सीड कोट। यहाँ पर भी क्या काम करेंगे? प्रोटेक्शन का ही काम करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा और कल की क्लास से रिलेटेड है, देखते हैं किसने अच्छे से करा है। मार्सेंशिया के बारे में पूछ रहे हैं, कैसा है ये प्लांट, क्या गिवन है यहाँ पे? मोनोशियस प्लांट, ऑप्शन बी होमोथेलिक प्लांट, ऑप्शन सी डाइशियस प्लांट, ऑप्शन डी बायसेक्सुअल प्लांट, बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30, कल हम इससे रिलेटेड करके आए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे मार्सेंशिया में हमें एक अलग सा थैलस देखने को मिला था, दो हमने अलग थैलस देखे थे, एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा, इस पे क्या प्रेजेंट था? यहाँ पर एक काफी सुंदर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जो किसे रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और एक सेम ऐसा सा ही थैलस, लेकिन उसका ये वाला जो पार्ट था वो क्या था? बहुत बेढंगा सा था। तो एक याद रखने का तरीका है, आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या था ये, किस टाइप का प्लांट आ जाता है? इसका आंसर करेक्ट आदर्श, गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डाइशियस प्लांट। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग जगह देखने को मिल रहे हैं, होमोथेलिक नहीं है। होमोथेलिक का मतलब होता है कि सेम थैलस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट है। अमृता सैनी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आप इसे होमोथेलिक नहीं बोल सकते, होमोथेलिक का मतलब होता है कि सेम थैलस के ऊपर आपको मेल फीमेल स्ट्रक्चर देखने को मिले। और इसी के साथ साथ हमारी ये वाली सीरीज कंप्लीट होती है। अगली कल की क्लास में हम सेम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कवर करेंगे, वहां भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवर करेंगे यहाँ पर। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यही सारा कंटेंट थ्योरी जो है वो मैंने पढ़ाई हुई है, आप जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, यहाँ आपको फ्री और पेड बैचेस दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है गोकुल विद गोकुल छाबड़ा, जाकर ज्वाइन करिए। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। 6397662212 पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। होप यू लाइक इट, आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।